सभी भाइयों को सुबह के नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, हम रुके हुए थे आज यहाँ पर आयुष्मान भारत सेंटर में और हमारी यात्रा का 22वां दिन और ये है वेहना जट्टा। हर हर महादेव भगत जनों, हिमाचल में भी एक गांव है भाई छोटा सा जो उधर है, जिसका नाम है ऋषिकेश। ये है भाई भगत जनों छोटा सा गांव ऋषिकेश और ये देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा है। और ये देखो भाई कितना लंबा ग्राउंड है, यहाँ बहुत ही सुंदर है भाई, अति सुंदर। ये देखो भाई भगत जनों, ये है गोविंद सागर झील। कीरतपुर से करीबन मनाली की तरफ 30 किलोमीटर दूर आगे है भाई, क्या बात है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। ये देखो भाई भगत जनों, गाड़ी लैंडस्लाइड हो गई थी थोड़ी सी बता रहे हैं, और ये ट्रक दब गया था और रोड बन रहा था, ऐसे कैसे दबा दिया भाई ये ट्रक, क्या बात है। ये देखो भाई भगत जनों, जैसे कि एक ट्रक वहाँ दफन किया हुआ था और एक ये यहाँ दबा दिया भाई, ये शायद खराब वराब हो गए होंगे और फिर इनको इधर ही छोड़ दिया। वाह जी वाह, वाह भाई वाह। लो जी भगत जनों, हम पहुंच गए हैं महला और आज का स्टे है हमारा यहाँ पर। मौसम हल्का सा खराब होते हुए आज का स्टे हमारा इधर है। दोस्तों भाई, ये इन लेडीज की किसी और गाड़ी वाले ने जो आधा घंटा पहले कोई मार के निकल गया इनकी बकरी को, वो पड़ी है उधर, और ये लेडीज अब पागल हो गई है, अब सभी गाड़ियों को रुका रही है, जाम लगाना चाहते हैं यहाँ पे। चलिए देखते क्या होता है भाई। ये देखो भाई, ये गाड़ी वाले समझाना चाहते हैं इनको, पर ये समझना नहीं चाह रही। अब किसी और की गलती थी, वो मार के चला गया, अब और लोगों को परेशान कर रही है औरतें। ये देखो भाई, जिसकी बकरी का एक्सीडेंट हुआ था, पीछे की दोनों टांग टूट गई उसकी, मरी तो नहीं पर उनके घर वालों ने जाम लगा दिया। आगे ये टनल है, टनल के पास जाकर ये देखो ये लग गया जाम। अब क्या होना, भाग गया भाई गाड़ी वाला तो। ये देखो भाई भगत जनों, कितना लंबा जाम लगा दिया कुछ गांव वालों ने मिलकर, पर गाड़ी पे 100-100 रुपए का चार्ज लगा। ये गलत है भाई, जिसने बकरी को उड़ाया वो भाग गया, अब दंड इन लोगों को भुगतना पड़ा। आज अपनी पेड़ बचाओ पृथ्वी बचाओ यात्रा का 22वां दिन रहा, बहुत बढ़िया। दोस्तों आज हम रुके हैं महला गांव में जो बहुत ही सुंदर है। कल सुबह अपनी यात्रा को फिर प्रारंभ करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, शुभ रात्रि दोस्तों।